शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय 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 बजरंग बली। बजरंग बली, बजरंग बली। जय जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजन सुत बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली। जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, हयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। ये दिव्य फल यहाँ कहीं नहीं मिलता। इसी फल को लेने के लिए देवी शबरी ने मारुति को भेजा था। ये तो मेरा सौभाग्य था कि मैं आपकी सेवा कर सकी, और फिर ये तो मेरे गुरुदेव का आदेश था। इस प्रकार मेरा जीवन धन्य हो गया। सबसे पहले मैं आपको ये विशेष फल खिलाऊंगा। हे पितृआत्मा, आपका पृथ्वी लोक पे आने का समय हो गया है। आप आइए पितृदेव, और हमारी तारा मौसी के सुने आंचल को भर दीजिए। आइए पितृदेव, आइए। अवश्य प्रभु, आपके प्रयासों से मेरी माता पर लगे हुए श्राप का मोचन हो गया है। अब मैं पृथ्वी लोक में माता तारा की कोख से जन्म लूंगा। मेरा नाम अंगद होगा, और मैं आपके साथ रहकर प्रभु श्री राम की सेवा में सहयोग करूंगा। माता, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी कोख से जन्म लेकर इस संसार में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और मैं विश्व के सबसे शक्तिशाली नरेश महाराज बाली का पुत्र कहलाऊंगा। मुझे आपके गर्भ में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए।
सारा, ये क्या कर रही हो? अपना पेट क्यों पकड़ी हुई हो? स्वामी, हमें कोख में हलचल का आभास हुआ है। जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हमारा पुत्र हमारे पास आने वाला है। ये तुम क्या कह रही हो? स्वामी, हम सत्य कह रहे हैं। अभी हमें सुनाई दिया जैसे हमारा पुत्र हमारे पास आने की अनुमति मांग रहा हो। और अब हमें ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारी कोख में आ गया हो। अब स्वयं देख लीजिए। तारा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, किंतु तुम कह रही हो कि तुम्हें ऐसा लग रहा है, तो ये भगवान की हम पर बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं कल ही वैजी को लेकर आऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा। स्वामी, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे और किष्किंधा के भाग्य बदलने वाले हैं। हम पर से श्राप की काली छाया मिट गई है। हमारा पुत्र आने वाला है। तारा, मारुति के शुभ चरण किष्किंधा में पड़ते ही कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। हे प्रभु, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। खुशियां मनाइए, बधाइयां गाइए, किष्किंधा का संकट कट गया महाराज। अब तो राजमहल में दीप जलेंगे, नगर में उत्सव होंगे। नैतराज जी, बताइए ना क्या हुआ? बधाई हो महाराज, आपको बधाई हो। बहुत ही सुखद समाचार है, आप पिता बनने वाले हैं और महारानी माँ बनेंगी। महाराज,
यह ऐसा सुखद समाचार है जिसे सुनने के लिए किष्किंधा वासी वर्षों से तरस रहे हैं। महाराज, यह सुखद समाचार मैं खुद ही जाकर उन्हें सुनाता हूँ। आज्ञा दीजिए। खुशियां मनाइए, दीपक जलाइए, हमारे राजकुमार आने वाले हैं। सुग्रीव, लगता है कि जैसे मैं स्वप्न देख रहा हूं। क्या तुमने सुना वैद्यराज जी ने क्या कहा? मैं पिता बनने वाला हूं। हाँ भैया, हाँ, मैंने स्पष्ट शब्दों में सुना। आप पिता बनोगे और मैं काका बनूंगा भैया, काका। पता नहीं सुग्रीव, ये चमत्कार है या प्रभु की कृपा, किंतु सबसे पहले ये शुभ संदेश तुम अंजन प्रदेश जाकर देकर आओ। जाओ। जामवन जी, देखिए ना ये क्या हो रहा है, कैसा चमत्कार हो गया। मैं पिता बनने वाला हूं। अब मेरा दुर्भाग्य समाप्त हो गया काकाश्री, अब मेरा दुर्भाग्य समाप्त हो गया। अब हो सकता है कि किष्किंधा को उसका युवराज मिल जाए। हाँ बाली जी, ये किष्किंधा के लिए ही नहीं, अंजन प्रदेश के लिए भी बहुत खुशी भरी बात हुई है। आप पर ईश्वर की विशेष कृपा हुई है। हे प्रभु, जामवन जी, ये तो मारुति के चरण यहां पड़े हैं, उसी का प्रताप है। मारुति ने हमको जो दिव्य फल खिलाया है, ये उसी का चमत्कार लगता है। हाँ बाली जी, ये मारुति की ही लीला है। मारुति, मैं मूर्ख वानर तुम्हें मारने चला था। तुम तो हमारे लिए भगवान हो। मैं नहीं जानता था मारुति कि तुम्हारे चरणों की ऐसी महिमा है। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पिता हैं। मारुति, तुम मेरे लिए भगवान हो, भगवान। पिताजी, पुत्र का स्थान सदैव माता पिता के चरणों में होता है, वहीं उसका स्वर्ग है। माँ, लगता है मुझे भी छोटा भाई मिलने वाला है। हाँ मेरे लाल, ये सब तुम्हारे ही तो कारण। माँ, मैं सबको ये सुखद समाचार सुना के आता हूँ। बनने वाले हैं। और महारानी, आप मां बनने वाली हैं। रुको ना, रुको।
महारानी जी आप मेरी बात तो सुनिए, हमने मारुति को नहीं छुपाया महारानी जी। झूठ बोल रही हो तुम, मैं जानती हूँ मारुति को मुझसे दूर तुम लोगों ने ही किया। यदि मारुति को तुमने मुझे नहीं लौटाया ना तो मैं तुम सबकी प्राण ले लूंगी। हमारी बात तो सुनिए महारानी जी। बताओ कहाँ है मेरा मारुति, बताओ, रुको, बताओ मुझे कहाँ है मारुति, कहाँ है, कहाँ है मेरा मारुति, बोलो कहाँ है मारुति को, रुको बताओ मुझे, बताओ। माँ आपका प्रायश्चित पूर्ण कर दिया है, तारा मौसी भी अब माँ बनने वाली है, अब तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। मारुति, मेरे लाल, ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे कारण ही हुआ है। मातंग ऋषि के आश्रम में तुमने हमसे जो कुछ भी कहा था ये सब उसी का परिणाम है। माँ ये तो ईश्वर की कृपा है, आपका माँ बनना आपके भाग्य में था, इसीलिए तो आप माँ बन रही हैं। मारुति, मेरे लाल, तुम जो कुछ भी कहो किंतु ये तुम्हारा ही प्रताप है कि हम माँ बन रहे हैं। मारुति, हम जीवन भर तुम्हारे ऋणी रहेंगे। ऐसा मत कहो माँ, आपने जो ममता मुझ पर लुटाई है उससे बड़ी संपदा कोई नहीं। बच्चा तो जीवन भर माता पिता का ऋणी होता है। मारुति, मेरे लाल, सुनो 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 सुनो, सभी किष्किंधा वासियों को, वर्षों से जिस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी वो घड़ी अब आने वाली है। कहो दूत, कहो, चुप क्यों हो, बोलो किष्किंधा से क्या सुखद समाचार लाए हो। और वो सुखद समाचार ये है कि महाराज बाली का संतानहीन रहने का श्राप अब दूर हो गया है, हमारी महारानी अब माँ बनने वाली है, और हमें हमारा राजकुमार मिलने वाला है। और इसी उपलक्ष में महाराज ने राजमहल में एक उत्सव का आयोजन किया है और आप सब लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। ये तुम क्या कह रहे हो दूत? मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, ये तो किष्किंधा ही नहीं अंजन प्रदेश के लिए भी सुखद समाचार है। हमारा मारुति भी वापस आ जाएगा और मेरी अंजना भी ठीक हो जाएगी। कहाँ छुपा है मारुति को? बताओ कहाँ छुपा है? कहाँ छुपा है मारुति? शत्रु हो तुम सब मेरी, पापी हो तुम। बताओ कहाँ है मेरा मारुति? बताओ। महारानी जी हमारी बात तो सुनिए, महारानी जी हमारी सब ऐसे नहीं मानोगी। अंजना, ये तुम क्या कर रही हो? हमारा मारुति किष्किंधा में है, अब हमारा मारुति
शीघ्र ही लौट आएगा अंजना। अंजना तारा माँ बनने वाली है। मारुति, तुम तो ऐसे पुत्र हो जिसे अपना बनाने के लिए कोई भी नारी सब कुछ करने को तैयार हो जाए, किंतु तुम्हारे जैसे पुत्र की माँ बनने के लिए ना जाने कितने पुण्य के कर्म करने पड़ेंगे। हाँ मारुति, जिस सुख के लिए हम वर्षों तड़पते रहे वो सुख तुमने हमें प्रदान किया है, और जो आने वाला सुख है वो तो भगवान की देन है।